एसेट्स दे रखे हैं 75,000 के, जिसमें कैश इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एसेट्स आपके टोटल एसेट दिए गए हैं। ये है ना तक एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग 5,000 कैश। इसका मतलब है कि करंट एसेट्स इसके अंदर इंक्लूडेड। तो जब करंट एसेट्स इंक्लूडेड है तो इसका मतलब है कि ये जो 75,000 दे रखा है ये टोटल दे रखा है आपको, टोटल एसेट 75 के हैं आपके पास। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट बोला गया है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपके क्या होते हैं, क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। क्लियर? तो करंट लाइबिलिटी आपको दे रखा है 5,000 रुपए का, करंट लाइबिलिटी भी है क्रेडिटर्स के नाम पे। अब फॉर्म के पास कुछ रिजर्व भी है, और रिजर्व आपको दे रखा है 10,000 का। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट ऑफ, इसका मतलब क्या है, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब सबका टोटल। तो टोटल जो कैपिटल यहाँ पे लगा है वो कैपिटल यहाँ पे बोला जा रहा है 60,000 का आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है। अब इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट आपको दे रखा है 20% का, तो गुडविल आपकी कैलकुलेट कर, अच्छा गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ दे रखी है 24,000, जो कि 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकली है, जो कि 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। क्लियर? अब आपसे बोला जा रहा है एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है उसको निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ बेसिकली निकालना है। क्लियर? आप समझो इसको, बुकिंग दे दो चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कैपिटल, हमें डायरेक्टली कैपिटल के नाम पे हमें 60,000 दे रखे हैं, और रिजर्व आपको अलग से दे रखा है। तो यहाँ पे हमें मेनली कैपिटल इम्प्लॉयड निकालनी है कि कितना पैसा बिजनेस में काम कर रहा है, इम्प्लॉयड है। ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करने के बेटा दो तरीके होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले टॉपिक में अब आपको करना ही है, तो इसको कर लेते हैं हम पहले। देखो जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो हमारे पास इस तरफ लाइबिलिटीज होती थी, फाइन, और इस तरफ हमारे एसेट्स होते थे, दोनों तरह के एसेट्स, दोनों तरह की लाइबिलिटीज, फाइन। अब लाइबिलिटीज के अंदर हम क्या क्या चीज लिखते थे, हम कैपिटल लिखते थे कि पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगा रखा है, ये मतलब एंड लिखते हैं, डन। देन अगर कोई रिजर्व मेंटेन किया है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, लाइबिलिटी साइड ही, फाइन। और जो भी करंट लाइबिलिटीज हैं वो करंट लाइबिलिटीज भी हम यहाँ पे ही लिखते थे, क्रेडिटर्स के नाम पे, बिल्स पेबल के नाम पे, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? डन। दूसरी तरफ हम क्या क्या लिखते हैं, हम अपने सारे फिक्स्ड एसेट्स मेंशन करते हैं, प्लस अपने करंट एसेट्स मेंशन करते हैं, और इसका टोटल, और इसका टोटल इक्वल होता है। ये मैंने एक सिर्फ ओवरव्यू दिया बैलेंस शीट का, डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिंपल। ठीक है? अब यहाँ से हमारे पास कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो। तो फर्स्ट इज कि ये जो आपका टोटल एसेट है इसमें से ये करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तो आपको ये वाला पोर्शन जो होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है? तो इसको बोलते हैं एसेट अप्रोच। तो एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हमें कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना होता है तो कैपिटल इम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितने के हैं, आपको कितने के दे रखे हैं टोटल एसेट्स, 75। और इसका भी ध्यान रखना, कई बार आपको सिर्फ एसेट्स ये दे दिए जाएंगे और अलग से अगर जो कैश रहेगा वो ये दे दिया जाएगा, कुछ और वैल्यू दे दी जाएगी। तो अगर अलग अलग है तो उनको ऐड करके टोटल निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है सेंटेंस, 75 इंक्लूड कैश, तो मतलब कि टोटल ही 75 है। तो यहाँ पे हम अगर यही पे रख ले तो टोटल आपका 75 है। तो टोटल एसेट में से 75,000 में से करंट लाइबिलिटीज कितने की है, करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर 5,000 के दे रखे हैं, तो 5,000 आप माइनस कर दोगे
तो 70,000 का कैपिटल इम्प्लॉयड निकल जाएगा। एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दे तो आपके पास जो है कैपिटल इंप्लॉयड निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? डन। दूसरी अप्रोच, जब हमें कैपिटल इंप्लॉयड ही निकालना है और क्वेश्चन में कैपिटल की डिटेल दे रखी है और रिजर्व भी दे रखा है, तो कैपिटल प्लस जो भी रिजर्व है वो रिजर्व किसके लिए है? वो भी तो पार्टनर्स का है, वो भी तो एक साल तक बिजनेस में ही लगेगा। अगर बिजनेस की जरूरत हुई, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ या कोई भी रिजर्व हुआ, वो एक साल तक क्यों रखा गया है? जिससे कि अगर एक साल में उसकी जरूरत पड़े तो इस पैसे को हम वहां पे यूज कर, इसीलिए रखा है ना, जो है तो बिजनेस का है। और अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? अगर यूज नहीं हुआ तो अगेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाता है, और पार्टनर्स में क्रेडिट होने के बाद क्लोजिंग कैपिटल उसके अकॉर्डिंग ही निकलती है। इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होती है, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो दूसरी लाइबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या करोगे? कैपिटल प्लस रिजर्व जब आप करोगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 60 ये है, 10 ये है, तो अगेन आपके पास 70,000 आ रहा है। और ये ध्यान रखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे इस मेथड से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, सेम ही आएगी। ऐसा नहीं कि एसेट से निकालोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, और अगर आपकी आ रही है तो बेटा एक बार कैलकुलेशन से करो, ठीक है, सेम ही रहेगी कैपिटल वैल्यू। क्लियर हो गया? अब देखो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू निकल जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहेगा? 70 आर कितना था? 70 आ रहा है ना, 75 से करंट लायबिलिटी हटा दी तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ रही है 70,000। नॉर्मल रेट की वैल्यू आपको दे रखी है 20%, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज 20% ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा आपका? 70,000% आपको 14,000 नजर आ रहा था, ठीक है जी। 40,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, क्लियर। और गुडविल की एक हिंट दे रखी है कि आपकी जो गुडविल कैलकुलेट हुई है वो सुपर प्रॉफिट के 4 times है, ठीक है, 4 times ही है ना। एक बार फिर से कंफर्म कर लो अपनी बुक के अंदर, लास्ट क्वेश्चन में हमने ऊपर नीचे कर दिया था। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? गुडविल इक्वल्स टू 4 into सुपर प्रॉफिट, डन। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 24,000। सॉल्व कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? गुडविल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड हो जाएगा कितनी? आपकी वो कितनी थी? 24 थी ना, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4, 6,000 आपका सुपर प्रॉफिट नजर आ रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया, एवरेज निकाल लो। कैसे? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कितनी है? एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली लिख दें, इधर ले आए इसको, ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो, ठीक है। कितना था? 14, तो आपके पास ये था नॉर्मल ये वाला और 6 ये था, तो 14,000 प्लस 6,000 आपके पास 20,000 का एवरेज प्रॉफिट नजर आ रहा है। यही आंसर है? नहीं, यही है। चलो ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इस तरह से निकालोगे।